वेलकम टू माय चैनल। मैं नीरज आज आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये यूनिट 1 है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र होता क्या है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहने का मतलब क्या है कि एक देश की सीमा से बाहर अन्य देश के साथ वस्तुओं का जो भी लेन देन होता है या आदान प्रदान होता है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, और इसमें धन क्रियाएं जुड़ जाती हैं तो यह अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र बन जाता है। तो देखिए, जब किसी देश की सीमा के अंदर किए जाने वाले व्यापार को अंत क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। मतलब किसी भी देश की सीमा के अंदर जो व्यापार होगा वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाएगा, इंटर रीजनल ट्रेड। जबकि कोई भी देश जब अपनी सीमा से बाहर किसी अन्य देश के साथ, ठीक है, एक या एक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करेगा या फिर हम कह सकते हैं आयात और निर्यात करेगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं लेन देन करेगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब देखिए, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या विभिन्नता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। तो इसको सिर्फ समझेंगे हम पॉइंट को तो हम काफी अच्छे से ये जान सकते हैं कि इसमें क्या अंतर है। देखिए, क्या है कि सिर्फ हमको पॉइंट याद रहना चाहिए और उससे फिर हम क्या कर लेंगे कि हम इसको अपने से बना लेंगे, अपनी भाषा में इसको लिख लेंगे कि अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या अलग अलग होता है। देखिए, पहले साधनों की गतिशीलता में विभिन्नताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो होता है उसके अंदर साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है जबकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता नहीं होती है। एक एक नियमावली के अंतर्गत होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम भारत में हैं तो भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, वहां व्यापार कर सकते हैं या फिर हम वहां जाके कोई काम कर सकते हैं। मतलब हम साधन हैं और कहीं भी हम आने जाने के लिए स्वतंत्र है, हमको किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। जबकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अगर हम भारत से अन्य किसी देश में अगर हम जाकर काम करना चाहते हैं तो हमको एक नियमावली से गुजरना होगा। कहने का मतलब है कि वीजा बनाना होगा या अन्य कोई जो अन्य प्रक्रिया है उससे होकर जाना होगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता नहीं होती है। प्राकृतिक संसाधन में विभिन्नता है, तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में प्राकृतिक संसाधनों की अंतर क्षेत्रीय व्यापार में प्राकृतिक संसाधन एक देश के ये सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन दो देशों का प्राकृतिक संसाधन अलग अलग होता है। जैसे भारत के केस में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भूमि से हमको प्राप्त होता है, चाहे वो अबरक हो, कोयला हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन है जो भी प्राप्त होता है, तो भारत के क्षेत्रफल में एक सीमित प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। और जैसे हम दूसरे देश का बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, तो या फिर अमेरिका में या यूएस में या फिर अन्य कोई भी देश में, तो दो देशों का जो होता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि ये प्राकृतिक संसाधन भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा क्या है, भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी विभिन्नताएं होती है। तो
एक देश के अंदर, एक देश की जो जलवायु और भौगोलिक जो स्थिति होती है एक जैसी होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर, ठीक है, क्या होता है, भौगोलिक और जलवायु जो होते हैं दो देशों की अलग अलग होती हैं, बाजार विभिन्नताएं होती हैं। तो अंतर क्षेत्रीय में जो होती है बाजार जो होता है एक जैसा होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार होता है वो कई देश जो होते हैं वो व्यापार कर रहे होते हैं, तो वहाँ किस तरह की परिस्थिति होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति होती है कि एक दूसरे के साथ एक वस्तु का क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। अलग अलग मुद्राएं होती हैं, तो अलग हर प्रत्येक देश की अलग अलग मुद्रा होती है, लेकिन भारत में एक ही मुद्रा चलता है, लेकिन भारत से बाहर कई अलग अलग तरह की मुद्राएं चलती हैं। भुगतान शेष की समस्या, अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत किसी भी तरह से भुगतान शेष की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ध्यान देना क्या है कि भुगतान शेष की समस्या देश के अंदर नहीं होती है, सीमा के अंदर, जबकि देश के बाहर जो है जब हम व्यापार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान शेष की समस्याएं होती हैं। वस्तु की गतिशीलता से संबंधित क्या अंतर है? देखिए, जब अंतर क्षेत्रीय होता है व्यापार तो वस्तु की जो गतिशीलताएं होती हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर भारत में किसी भी राज्य में वस्तुओं की गतिशीलता संभव है बिना किसी प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया है पर स्मॉल प्रक्रिया और लागत भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब हम एक देश से दूसरे देश में, एक देश से हम दूसरे देश में जब हम व्यापार करेंगे तो एक तो लागत बहुत अधिक होगा और दूसरा क्या बोलता है कि वस्तुओं की गतिशीलता जो होगी वो तो होगी लेकिन लागत क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, विभिन्न आर्थिक वातावरण, तो एक देश में जो आर्थिक वातावरण होते हैं मतलब जो उपलब्धता होती है धन की, वो एक देश के क्षेत्र में क्या होता है, उसके बैंकिंग प्रणाली इत्यादि पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से दो देशों की आर्थिक जो वातावरण होता है वो अलग-अलग होता है। एक देश में आर्थिक वातावरण एक जैसा होता है जबकि दो अलग-अलग देशों का आर्थिक वातावरण अलग-अलग होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां दोनों की जो नैतिक स्थितियां होती हैं, जो नैतिक नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरी तरफ क्या बोलता है, विभिन्न राष्ट्र नीति ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो देश का जो आर्थिक नीति होता है, जो व्यापार करने की नीति होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन देश के अंदर किसी तरह की व्यापार करने की नीति नहीं होती है। होती है, ऐसा नहीं है, बनाया हुआ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है या बहुत ज्यादा बाधित नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग नियमावली होगा। राजनैतिक दल, एक देश में जैसे राजनैतिक दल एक अलग अलग होता है दो देशों का। उसके बाद फिर बोलता है क्या है कि अलग अलग तकनीक, तकनीक कहने का मतलब दो होता है, एक उत्पादन करने की विधि और दूसरा जो होता है टेक्नोलॉजी। तो एक देश का जो तकनीक होता है उत्पादन करने की विधि होती है वो एक जैसी होती है, जबकि अलग अलग देशों की जो उत्पादन करने की तकनीक होती है वो अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी से जो हम बात कर रहे हैं उसमें उत्पादन की नहीं, उसमें मशीन इत्यादि की बात है, किसकी तकनीक सबसे उत्तम है। तो एक देश की जो तकनीक है वो पूरे देश में एक जैसा रहेगा अंतर क्षेत्रीय में देश के अंदर, जबकि देश के बाहर जब हम बात करेंगे तो अलग अलग देशों की जो तकनीक होती है वो क्या होता है, बहुत ही अलग होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं, जब भी सवाल का जवाब हमको लिखना हो तो पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, और ये सारे पॉइंट जैसे कि हमको अंतर क्षेत्रीय
व्यापार के अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशेषता बतानी है। तो यही सारे पॉइंट्स क्या होंगे कि हम लिखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने शब्दों में। दूसरा, अगर हमको दोनों में अंतर बताना हो तो हम इसी सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, दोनों के संदर्भ में बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।